मुल्क भर की तरह कराची के इलाके डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में भी वोटर डे मनाया गया। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के असिस्टेंट कमिश्नर वेस्ट अब्दुल समद का कहना था कि वोट डालना असल जिम्मेदारी नहीं बल्कि वोट किसको डालना है असल जिम्मेदारी ये बनती है। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है तो हमारी कोशिश होती है कि हर साल एक वोटर डे का हम इनेकाद करते हैं। एक दिन हम पूरे मुल्क में हर ज़िले में मनाया जाता है और हमारी कोशिश होती है कि तालीमी इदारों में जहाँ हमारी यूथ है उनमें ये शऊर उजागर किया जाए कि वो जब 18 साल की उम्र को पहुँचे पहले अपना शनाख्ती कार्ड बनाएँ और उसके बाद अपने वोट को दर्ज कराएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टर्नआउट में इजाफा हो। इसी तरह हमारी कोशिश है कि हमारे मुल्क ख़वातीन वोटर्स की तादाद अमूमन 32वीं से कम रही है तो हम इस तरह की कैंपेन्स इलाकों में जाके हमारा मुस्तकबिल में ऐसा भी प्लानिंग है कि हम मोहल्लों की सतह पर जाकर ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद करेंगे ताकि उनमें ख़वातीन को ये शऊर उजागर कराएँ कि वो अपना वोट दर्ज कराएँ और जमहूरी अमल में अपना हिस्सा डाल सकें। जबकि इस तकरीब में मौजूद वाहिद खातून सैयदा हुमैरा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वेस्ट ने बताया जो लोग जो बच्चे 18 साल से अबव हो गएंगे वो अपना जो है सबसे पहले कौमी शनाख्ती कार्ड बनवाएं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी घर में हो कौमी शनाख्ती कार्ड बनाएं और उसके फौरन बाद उनका पहला काम जो है वो वोट का इंदराज होना चाहिए। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वेस्ट के चेयरमैन इजहारुद्दीन खान का कहना था कि जब से डिवोर्स होके 2016 में स्कूल आए मेरे पास डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में आए तो एक तो फंड वगैरह की कमी है लेकिन एजुकेशन पे हेल्थ के ऊपर 2010 से एक पैसा भी नहीं लगाया गया। अब भी फाइनेंशियली मेरे साथ प्रॉब्लम्स हैं और लेकिन मैंने अभी जो हमारे पास 47 स्कूल हैं ऑल टू सेकेंडरी और प्राइमरी मिला के पूरे डिस्ट्रिक्ट में टेंडर भी मैंने कर दिया है और आहिस्ता 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 चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी लेकिन उसके लिए मसाइल चाहिए होता है वो उसकी अशद ज़रूरत है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की अबतर सूरतेहाल पर मेंबर सूबाई असम्बली ने पुरानी रिवायत बरकरार रखते हुए अपनी पार्टी का मलबा सूबाई हुकूमत पर डाल दिया। अब ये जहाँ से आप आए ना इस सड़क से पहले यहाँ आने को कोई तैयार नहीं था, ये तो उस पे काम चल रहा है और अनकरीब 2-3 माह में ये कम्प्लीट हो जाएगा। ये वफाकी हुकूमत ने जो कराची पैकेज उसमें हमारे गुजारिश पे हमारी दरख्वास्त पे वो डाल दिया और अनकरीब ये बन जाएगा। तो अब तो मेरे ख्याल में आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा होगा, पहले आते तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था लेकिन जो बल्दियाती हुकूमतें हैं उनकी जिम्मेदारियां है, जो सूबाई हुकूमत है उनकी जिम्मेदारियां है लेकिन बदकिस्मती से देखिए दुनिया में आप देखते हैं MNMPA का ये काम तो नहीं होता कि वो जाके गटर पे खड़ा हो जाए, वो जाके पानी की पाइप पर खड़ा हो जाए, वो तो लेजिस्लेटर है असम्बली में कानूनसाजी और बिल लाना और कानून बनाना और उस पर अमल कराना उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन बदकिस्मती से सूबाई हुकूमत आप देख रहे हैं, कल हमारा कतर हॉस्पिटल का विज़िट हुआ था, मैं खुद था, हमारे साथ मीडिया थी, इमरजेंसी के अंदर सिरिंज नहीं था, इमरजेंसी जो होती है सिरिंज नहीं था और MS साहब मानने के नहीं है। वोट को इज्जत दो और वोटर को कुछ नहीं के हवाले से हमारे मुल्क में काम जारी है। जबकि DMC वेस्ट के इलेक्शन असिस्टेंट कमिश्नर ने स्कूलों और कॉलेजों में नौजवान नस्ल को वोट की अहमियत पर रोशनी डालने के लिए एक अहम सेमिनार कराया। कि काम तो होते रहेंगे, मसाइल है सर्विस का भी, पानी का भी, दीगर चीज़ों का भी, लेकिन आपसे मैं खुसूसन गुजारिश करूंगा कि आपके DMC के जो रिडक्शन में आपके इख्तियार में जो स्कूल है आपसे गुजारिश है, हम सब की दरखास्त है कि आप खुसूसन उस पर तवज्जो दें कि हमारे स्कूलों में क्योंकि मैंने विजिट किया है वो पंखे भी नहीं होते हैं, वहाँ बैठने की जगह भी नहीं होती, बड़े मसाइल हैं, तो अगर वो आप ठीक करें तो हम आपके मशहूर होंगे, सम्मान होंगे क्योंकि हमारे बच्चे हैं ना वो हमारा मुस्तकबिल है, जब वो पढ़ेंगे अच्छे माहौल में तो वो सोसाइटी के लिए उनका फायदा। कैमरामैन ख्वाजा रियाज के साथ नदीम सिद्दीकी M7 सिटी न्यूज़ कराची।